लाइफ में एक पोजीशन ऐसी है जहां सब पहुंचना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, आप जो भी करते हो, लेकिन एक पोजीशन ऐसी है जिस पे सबकी निगाहें रहती हैं और वहां सब पहुंचना चाहते हैं, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड लीडर. That position is position of leadership. Think wherever you are, everybody aspires to be a leader. हर कोई लीडर बनना चाहता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में और एक दशक भर में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास तेजी से बदली हैं. Technology is changing really fast. The way we do things is changing really fast. और ऐसा लग रहा है जो चीजें पिछले 10 सालों में बदली हैं, अगले 3-4 सालों में उससे भी तेज रफ्तार से बदलाव आने वाले हैं. इस बदलाव के समय में, आज के समय में लीडर से क्या डिमांड की जा रही है और आने वाले समय का लीडर कैसा हो, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 7 essential qualities of leaders of tomorrow. आने वाली बदलती हुई इकोनॉमी में लीडर में क्या होना चाहिए, ये 7 चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको. और अगर आप इन 7 चीजों को समझ गए और अगर आप इन 7 चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर गए, देन आई एम श्योर यू विल बी द लीडर ऑफ टुमारो, राइट? यू विल बी द लीडर ऑफ द न्यू इकोनॉमी. हाय, दिस इज दीपक पुजार, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस कोच एंड ब्रेक थ्रू ट्रेनर. लेट अस टॉक अबाउट चेंजिंग फेस ऑफ लीडरशिप. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड फ्रॉम लीडर्स ऑफ टुमारो? इफ यू डिस्कस देम वन बाय वन, देन द फर्स्ट वन, the my favorite one is called speed of execution. देखिए, आजकल आइडिया सबके पास हैं. इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक साथ एक आइडिया लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है. आइडियाज आर नॉट एनीबॉडीज मोनोपोली. आइडियाज पे किसी का एकाधिकार नहीं है, लेकिन आइडिया की एग्जीक्यूशन पे है. आने वाले कल के लीडर से जो चीज सबसे बड़ी उम्मीद की जाती है और जो चीज आने वाले समय में लीडर्स को टॉप पे ले जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. बोले तो सिर्फ आइडिया से काम होने वाला नहीं है, आप उन आइडियाज को किस रफ्तार से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, दैट विल डिसाइड आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहां जाने वाली है. नंबर टू, जो दूसरी एक्सपेक्टेशन है लीडर्स ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी से, वो है स्पीड ऑफ चेंज. आपको बदलना पड़ेगा. देखिए, अगर आप समय के साथ बदलेंगे तो आप टिके रहेंगे, आप सरवाइव कर जाएंगे. लेकिन अगर आप समय से पहले बदलेंगे, देन यू विल रूल द वर्ल्ड. जिस भी टॉप लीडर को, जिस भी टॉप कंपनी को आप एडमायर करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, अगर आप उनमें एक क्वालिटी देखेंगे ना, वो खास क्वालिटी क्या है, वो लोग समय के साथ नहीं बदले, वो लोग समय से पहले बदले. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक तरीके से किसी चीज को करने का प्रयास करते हैं. यू नो, वी ट्राई वन वे, आवर वे ऑफ डूइंग थिंग, इट डजंट वर्क आउट. एंड समटाइम्स हम उस काम करने के तरीके से इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम लोग बदलाव नहीं कर पाते हैं. एंड दैट लॉस ऑफ टाइम विल इज फेटल टू द ऑर्गेनाइजेशन. वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पीछे लेके जा सकता है. तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगली सदी में लीड करना है, देन यू शुड बी अ पर्सन विद चेंजिंग at the speed of light. मतलब, you know, आप रफ्तार से बदलने चाहिए. You should change at a really, really fast pace. आने वाले कल के लीडर से जो उम्मीद की जाएगी, तीसरी खास क्वालिटी, वो है इमोशनल रिजिलियंस. इमोशनल रिजिलियंस बोले तो, जब आप नई नई चीजें ट्राई करते हैं ना, तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि आप गिरेंगे, गलतियां करेंगे, फेल हो जाएंगे. शायद 10 में से 5 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो काम नहीं करेंगे. हो सकता है 10 में से 7 चीजें ऐसी होंगी जो आपने ट्राई की लेकिन काम नहीं करी. हार जब होती है ना, और जब आप नीचे गिरते हैं और जब कुछ चीजें काम नहीं करते हैं, दैट टाइम आप कितनी जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप वापिस आ सकते हैं, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल इमोशनल रिजिलियंस. एंड इफ यू आर लीडर ऑफ टुमारो, देन यू नीड टू हैव मेंटल इमोशनल रिजिलियंस, राइट? मुश्किलों के सामने में तुरंत वापिस आ जाना, बाउंस बैक करना, सीख कर वापिस आना, पहले से ज्यादा बेहतर होकर और पहले से जल्दी वापिस आके मैदान में दोबारा से एक बार फिर से कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड इमोशनल रिजिलियंस, मेंटल रिजिलियंस. एंड लीडर्स ऑफ टुमारो आर एक्सपेक्टेड टू हैव दैट. नंबर 4, चौथी क्वालिटी लीडर्स ऑफ टुमारो में जो होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. आप एक साथ में कई काम करेंगे. आपके पुराने प्रोडक्ट, पुराने सर्विसेज, पुरानी टीम्स कमाल कर रही हैं, मार्केट में लीड कर रही हैं, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं. एट द सेम टाइम नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं, नई टीम्स भी डेवलप हो रही हैं, नई सर्विसेज आप लोग पैदा कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ कुछ नया करते चले जा रहे हैं. ये सब आपको एक साथ करना है. ये जो आने वाले कल के लीडर्स होंगे ना, ये लोग मल्टीपल
टास्क, बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम, एक्टिविटीज एक साथ कर पाएंगे, स्मार्टली कर पाएंगे, दैट क्वालिटी आल्सो विल बी रिक्वायर्ड फॉर देम, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, राइट? दिस विल बी क्वालिटी नंबर 4 रिक्वायर्ड फ्रॉम लीडर्स ऑफ टुमारो. नंबर 5 इज कंटिन्यूअसली इवॉल्व एंड ग्रो. बोले तो लगातार सीखते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे. देखिए, आई टेल यू वन सिंपल थिंग, द डे यू स्टॉप लर्निंग, the day you will start dying. If you want to grow, you need to continuously learn, right? बहुत सारे लोग colleges में जितना सीखते हैं, universities में जितना सीखते हैं, उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं. जैसे आप सीखना बंद करेंगे ना, वैसे आपकी ग्रोथ बंद हो जाए. Sometimes जब मैं लोगों को अपनी workshops के लिए invite करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे उसकी ज़रूरत क्या है. जो आपने कॉलेज में सीखा, जो आपने स्कूल में सीखा, वो आपको जहां तक पहुंचा सकता था ना, उसने पहुंचा दिया. अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो फिर आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, बेहतर होना पड़ेगा. टूल्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्निक्स बदल रहे हैं. इफ यू वांट टू कंपीट, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, देन आपके पास बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल्स, बेस्ट टूल्स रेडी होने चाहिए, जो कि हम हमारी वर्कशॉप्स में करते हैं. और आपको उससे सीखना है जो ऑलरेडी कर चुका है, जो कटिंग एज पे है, जिसके पास वर्ल्ड की बेस्ट नॉलेज अवेलेबल है. सो व्हेन पीपल कम टू आवर वर्कशॉप, आने से पहले उन्हें लगता है ये सब मुझे मालूम है, लेकिन जब वो दो दिन के बाद में लौट के हमारी लाइव वर्कशॉप से जाते हैं ना, देन दे से नहीं, मैंने कमाल का कुछ सीखा. एंड वो जो कमाल का सीख के जाते हैं, वो साथ के साथ उनकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करता है. आई टेल यू, टाइम एंड मनी दैट यू स्पेंड इन लर्निंग ट्रेनिंग्स, that will give you highest return on investment. जो पैसा और जो समय आप अपनी खुद की बेहतरी के लिए सीखने में लगाने वाले हैं ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में, बुक्स में, वीडियोस में, वो आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला है. सो नंबर 5 क्वालिटी जो मैंने आपसे डिस्कस की फॉर लीडर्स ऑफ टुमारो, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअसली लर्न एंड इवॉल्व ग्रो. 6th रिक्वायरमेंट फ्रॉम लीडर्स ऑफ टुमारो इज दे नीड टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी. उन्हें समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा, राइट? अगर आप अपनी टीम्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आने वाले समय में लीड करना चाहते हैं, तो आपको सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मालूम होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी के अंदर घुसने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कैसे चीज़ें जल्दी की जा सकती हैं, फास्ट की जा सकती हैं, बाकी उसे बेहतर की जा सकती हैं, दैट न्यू टेक्नोलॉजी कैन गिव यू. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टच कॉमर्स, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीजें आप और मैं जाने तो ठीक, ना जाने तो ठीक, लेकिन दुनिया को मालूम है और दुनिया ने ऑलरेडी इनको यूज करना शुरू कर दिया है. तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक लीड करना चाहते हैं, देन यू नीड टू बी अब्रेस्ट विद ऑल द टेक्नोलॉजी. पॉइंट नंबर 7, एंड दिस इज माय लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. बोले तो आपके आप अगर एक लीडर है ना, तो आप तानाशाह नहीं है. वो दिन चले गए जब आप डिक्टेट करेंगे और आपकी सारी टीम उनको फॉलो करेगी. और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी कमाल की चीजों से चूक जाएंगे. कई बार आपको बेस्ट सॉल्यूशंस वहां से मिल सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं जो प्रोसेसेस के नजदीक हैं, ऑपरेशंस के नजदीक हैं, फील्ड के नजदीक हैं. इफ यू लिसन टू फीडबैक, इफ यू गिव चांस टू पीपल टू पार्टिसिपेट विद यू, देन योर लीडरशिप विल गो टू द टॉप. अगर आपको ये 7 पॉइंट्स के बारे में और जानना है, तो एक मैगजीन है जिसका नाम है इंडियन मैनेजमेंट. इट्स अ लीडिंग मैनेजमेंट मैगजीन. एंड इसके फरवरी इशू में मेरा एक आर्टिकल आया है, लीडिंग फॉर द फ्यूचर. यू कैन जस्ट गो एंड ग्रैब अ कॉपी ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, रीड माय आर्टिकल ऑन लीडिंग द फ्यूचर, लीडिंग इन द फ्यूचर इकोनॉमी. और इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस आर्टिकल, यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय वेबसाइट www.deepakbajaj.biz, या फिर आप मेरे ऑफिस में ईमेल करिएगा, हम आपको इस आर्टिकल की सॉफ्ट कॉपी भिजवा देंगे. और आप इस आर्टिकल को पढ़िए और आने वाले कल के टॉप क्लास लीडर बनिए. और अगर आप दिल से चाहते हैं, आप एक चमकते हुए कमाल के लीडर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारी लाइव वर्कशॉप्स को अटेंड करिए. दीज आर 2-डे इवेंट्स. आई डू 2-डे इवेंट्स. वन इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर एकेडमी. ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग में है. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, तो याद रखिएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में 2 वजह से आते हैं. नंबर 1, आपके सपने हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इम्पैक्ट डालना चाहते हैं आप दुनिया पे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बहुत सारे लोगों की मदद करना, फाइनेंशियली फ्री होना, ये सब ड्रीम्स हैं आपके. लेकिन याद रखिएगा, 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर्स 10-10 साल लगाने के बाद भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं. कारण और कुछ नहीं है, दे डोंट हैव राइट नॉलेज, राइट टेक्निक्स, राइट मेंटल स्टेट्स, राइट फेथ, राइट एबिलिटीज एंड राइट टूल्स. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर एकेडमी में आते हैं, तो आपको हम देते हैं कटिंग एज टूल्स, टेक्निक्स, नॉलेज, स्ट्रेटजीज जो वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स फॉलो करते हैं, और आप 2 से 3 साल में वो कर पाएंगे जो मोस्टली लोग 8 से 10 साल में नहीं कर पाते. अगर आप एक कमाल की कंप्लीट जिंदगी जीना चाहते हैं, होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको 4 चीजें चाहिए, हेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, रिलेशनशिप.
और इन चारों का कॉम्बिनेशन हम आपको एक कमाल के प्रोग्राम में देते हैं जिसका नाम है लिव योर बेस्ट लाइफ। और ये दो दिन की एक वीकेंड वर्कशॉप है जिसमें सैटरडे संडे में हम आपके साथ आपकी जिंदगी के इन चारों पैरामीटर्स पे काम करते हैं। आप हमारे इस ये जो नंबर्स हमने स्क्रीन पे दिए हैं इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करिएगा, पता करिए आपके नजदीक ये वर्कशॉप्स कब हो रही हैं, एंड आई विल मीट यू पर्सनली देयर इन एनी वन ऑफ दिस वर्कशॉप्स एंड वी विल डू मैजिक टुगेदर। और अगर आपको ये फ्यूचर लीडर्स और आने वाले कल के लीडर्स की जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई, अगर आपको अच्छी लगी तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल बटन प्रेस नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट देयर इन योर मोबाइल फोन, बेस्ट ऑफ द नॉलेज, टूल्स, स्ट्रेटजीज, स्किल्स, एवरीथिंग दैट यू नीड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, वी विल गिव यू ऑन दिस चैनल कॉल्ड दीपक बजाज। आई एम विद यू, वी विल डू वंडर्स टुगेदर, लेट्स कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, एंड लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लव यू गाइस।